हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी गुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। लेट्स बिगिन द क्लास। ये वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज की दूसरी कड़ी है, जहां पे हम सीखेंगे कि 50 और 60 के बीच के जो नंबर होते हैं, मतलब 51 से लेके 59 तक के, इनका स्क्वायर हम सेकेंडो में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडो में इनका स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। तो एक मैं करके बताता हूँ, फिर यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लो आपको स्क्वायर निकालना है किसका, 51 का। किसका निकालना है, 51 का। अच्छा, ये मेथड कहाँ पे लगेगी? ये मेथड उन्हीं नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए लगेगी जो 50 और 60 के बीच में लाई करते हैं, जो 50 और 60 के बीच में लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लेना होगा, क्या, 25। क्या लेना होगा, 25। इस 25 को देखो, ये वंस वाली प्लेस है, ये टेंस वाली प्लेस है। तो इस 25 में जो वंस वाली डिजिट है, ये आपको ऐड करना होगा, तो क्या आ गया, 26। ये आपको राइट हैंड वाला पार्ट मिल गया। अब देखो, जो ये वंस वाली डिजिट बची हुई है, 1 1 जा, इन दोनों नंबर की वंस वाली डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया, 1। इसके पिछली वाली क्लास में देखा था कि जो राइट हैंड पार्ट आता है वो कभी भी सिंगल नहीं आएगा, क्योंकि नंबर कितने हैं यहाँ पे, 2 डिजिट है। तो कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो। क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो आंसर क्या आ गया, 26 01। अब देखो, इसी तरीके से 52 को वाला देखते हैं, दो तीन करा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। देखो, सबसे पहले एक नंबर लेना है, कौन सा, 25। उस 25 में यूनिट प्लेस वाली जो डिजिट है, क्या है डिजिट, 2 है, उसको ऐड कर देना है। तो 25 और 2, 27। उसके बाद इस यूनिट प्लेस वाली डिजिट का मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 4। और ये सिंगल कभी आएगा नहीं, क्योंकि डिजिट कितनी है, 2। यहाँ पे क्या लगा दो, 0, 2704। अगर ऐसा आ गया, और यदि आपको ऐसी ट्रिक या मेथड नहीं पता है, तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, और ट्रेडिशनल मेथड से करने में आपके लगभग जो है ना 40-50 सेकंड तो लग ही जाएंगे, और ये जो है ना मुश्किल से, यदि आपने प्रैक्टिस में ले लिया, तो ये तो मुश्किल से 2 से 4-5 सेकंड में ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये मैंने मेथड बता दिया, अब देखो यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले 3 है, तो 25 में 3 ऐड कर दो, क्या आ गया, 28। इस 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, और 9 सिंगल नहीं आएगा, क्योंकि डिजिट कितनी है, 2, तो हमने क्या लगा दिया, 0। ठीक, इसी तरीके से ये वाला देखो, 25 है, 25 में यूनिट प्लेस वाली डिजिट को ऐड कर दो, तो 25 और 4, 29, और 4 4 16। अब देखो यहाँ पे 16 आया है, जिसमें कितनी है, 2 डिजिट है, तो 0 लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से भी हो जाएगा, और इसकी पहली वाली जो मेथड सीखी थी, 1, उससे भी हो जाएगा। देखो, इस वाली मेथड से यूनिट वाली प्लेस में क्या ऐड कर दो, 25 और 5 क्या हो गया, 30, और ये 5 में 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25। इसके पहली वाली मेथड भी ऐसी थी, इसमें 1 ज्यादा कर दो, तो 6 5 30, और 5 5 25, ऐसे भी हो जाएगा। अब देखो, 56 into 56, तो यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है, तो 6 में क्या ऐड करना है, 25, तो 25 और 6 क्या हो गया, 31, और 6 6 36। देखो, मुश्किल से 2 सेकंड में आंसर आ रहा है, यदि आपको ये मेथड पता है, तो ये मेथड आप सीख लो, और जब भी आप कहीं भी डील करो ऐसी सिचुएशन से, तो आप इसको अप्लाई करो, आप विद इन सेकंड आंसर ले आओगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस है, 7 है, तो 7 में क्या ऐड करोगे, 25, तो क्या आ जाएगा, 32, क्या आ जाएगा, 32, और 7 7 जा 49। यहाँ पे देखो, अब 25 में क्या ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे, तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और 8 8 जा 64। अब क्या करो, 25 में 9 ऐड करो, क्या आ जाएगा, 34, और 9 9 जा 81 आंसर। तो इस तरीके से यदि आपको ये मेथड पता है, तो विद इन सेकंड आप निकाल सकते हो। आई होप यहाँ पे आपने कुछ नया सीखा होगा। सो कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।